बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना आज भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगी। उनके इस दौरे के समय बांग्लादेश और भारत के बीच जल प्रबंधन, रेलवे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत कई क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। यूक्रेन संकट, वैश्विक आर्थिक मंदी और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उनकी यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दोनों दक्षिण एशियाई देश पड़ोसी मुल्कों से पेश आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। पीएम शेख हसीना का 3 साल बाद ये पहला भारत दौरा होगा। वो 2019 में भारत आई थी। अपनी यात्रा के समय हसीना अपने भारतीय समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। तो भारत दौरे पर आने से पहले बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कोरोना वैक्सीन और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच से बांग्लादेश के छात्रों को निकालने के लिए उनका। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया अदा किया। Really thanks to Prime Minister Modi to take this initiative. And that way he contributed vaccine to not only Bangladesh, but also some South Asian countries. And it's really very, very helpful. And it's a very prudent initiative he has taken. I really thanks to Prime Minister again that during this war between Russia and Ukraine, many of our students just stuck off and they came to Poland, took shelter. But when you evacuate your student, Indian student, they also brought our student back home. So it was really, you have shown a really friendly gesture. I thank to Prime Minister for this initiative. पंजाब पुलिस ने बड़ी गैंग वॉर से निपटने की तैयारी होने का दावा भी किया, लेकिन अब खबर आई कि बंबिहा गैंग के तार आईएसआई से जुड़े हैं, जो आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के ग्वादर में चीन के नागरिकों को निशाना बनाने के लिए आत्मघाती हमलावर ईरान से आया था। मतलब ये कि ईरान में ग्वादर हमले की प्लानिंग की गई थी। असल में पिछले महीने 21 अगस्त को वहां चीनी नागरिकों के काफिले पर हमला किया गया था और उस आत्मघाती हमले में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि चीन के एक नागरिक समेत कई लोग घायल हो गए थे। यह हमला उस वक्त हुआ था जब चीनी नागरिकों की 4 गाड़ियां ग्वादर एक्सप्रेसवे से गुजर रही थी। तभी वो आत्मघाती हमलावर एक गाड़ी की तरफ दौड़ने लगा और पास पहुंचते ही उसने खुद को उड़ा लिया था। कुछ घंटों के बाद बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और इस हमले के करीब 12 दिन बाद ये दावा किया जा रहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी से जुड़ा वो हमलावर ईरान के रामेन इलाके का रहने वाला था। ताइवान के ऊपर चीन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ताइवान उसे जवाब देने के लिए अपनी सेना की ताकत दिखा रहा है, चीन भी अपने घातक जंगी जहाज और लड़ाकू विमानों का खौफ बढ़ाता जा रहा है। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि माना जा रहा है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर देगा। लेकिन अमेरिका ताइवान की ढाल बनकर दक्षिण चीन सागर में डटा है, उसके जंगी जहाजों का बेड़ा वहां मुस्तैद है। हालांकि उनमें एक विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली अब सिंगापुर पहुंच गया, लेकिन इससे पहले अमेरिका ने इस ताकतवर जंगी जहाज को भी साउथ चाइना सी में ही तैनात कर रखा था, ताकि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ जंग छेड़ने की सोची भी तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाए। लेकिन कई दिनों तक चीन की हरकतों पर नजर रखने के बाद अमेरिका का ये विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पहुंच गया। अमेरिका का ये जंगी जहाज 844 फीट लंबा है, जो परमाणु ऊर्जा से चलता है। इस पर करीब 2400 सैनिक सवार हैं। इसके अलावा इस पर 6 F-35B फाइटर जेट के साथ कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। माना जाता है कि यूएसएस रोनाल्ड रेगन के बाद यूएसएस त्रिपोली अमेरिका का सबसे ताकतवर और घातक जंगी जहाज है, जो अकेले अपने दम पर किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है। और कहा जाता है कि अमेरिका ने इसे दक्षिण चीन सागर में चीन की गीदड़ भपकी का जवाब देने के लिए तैनात किया था, जो ताइवान को कमजोर समझकर लगातार अपनी सेना की ताकत दिखा रहा था। अमेरिकी नौसेना की दक्षिण चीन सागर में मौजूदगी भी उसकी मिलिट्री ड्रिल पर कोई असर नहीं डाल रही थी। कई बार तो चीन ने डराने के लिए ऐसी मिसाइलें भी दागी जो ताइवान के आसमान से गरजती हुई निकल गईं। और तो और वो अपनी सेना की ताकत दिखाकर अमेरिका को भी जंग की धमकी देता रहा। चीन ने हालात ऐसे बना दिए कि साउथ चाइना सी जंग का मैदान दिखने लगा।
जिसे देखते हुए अमेरिका ने यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत को समंदर में उतार दिया था। लेकिन पेलोसी के ताइवान दौरे से पहले ही अमेरिका अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस रोनल्ड रेगन को साउथ चाइना सी में तैनात कर चुका था, क्योंकि ऐसी खबर आई थी कि चीन ताइवान दौरे के वक्त नैन्सी पेलोसी के विमान पर हमला कर सकता है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अमेरिका ने